बहादुर ऋषभवाती हायर सेकेंडरी स्कूल, हम 11th और 12th की गर्ल्स हैं। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है, आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं, तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है तब जाके हमें अलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरसगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है, तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तैलीम हासिल नहीं कर सकते हैं, तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी हूँ यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब हूँ? इसका मतलब कि हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अबाया लोग करें, हम स्कूल के टॉपर्स हैं, हमें हमारा जब टेंथ का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं, वहाँ पे बोला कि नहीं आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। आप हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है, क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई, किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोला जाता है कि आप अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। या हर किसी, अगर ये गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज होने चाहिए, गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉयज आ सकते हैं तो हम अबाया क्यों नहीं पहन सकते हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि फीमेल के लिए अबाया कितना जरूरी है, पर्दा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है पर्दा एक फीमेल के लिए, वो एक सेफ रहती है। अगर वो कहीं भी जाएगी उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन में, उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग, उसका अंग ना दिखा कोई भी, उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। तो हम क्यों ना अबाया लगाए? एक मुस्लिम औरत के लिए अबाया लगाना बहुत जरूरी है, पर्दा करना बहुत बहुत जरूरी है। पर्दे में भी तैलीम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है कि नहीं पर्दा लगाओ, वो थोड़ी नौज़ बिल्लाह गलत कहेंगे, वो तो हमें कहते हैं कि पर्दा लगाओ, करो जो करना है, हम आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी तैलीम। पर्दा कभी एजुकेशन क्यों? मैं अल्लाह से बेहतर ज्यादा मुझे एजुकेशन नहीं है, मैं पर्दा चूज करती हूँ एज कम्पेयर टू एजुकेशन। पर्दा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अल्लाह ताला ने कब बोला कि आप मत पढ़ो क्योंकि आप अबाया लगाते हो? हम क्यों उसको छोड़े? वो हमारा आखिरत क्यों बिगाड़े इनके लिए? हम अबाया में भी तो तालीम हासिल कर सकते हैं ना, और क्या था अबाया में तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? इशू यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते, यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमें सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कम्फर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो? अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन कर। तो हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे? और अभी आप जब हमने प्रसलाम की बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो बोलिए मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग कितनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना, दो तीन दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना नहीं आना। अब हम लोग दो तीन दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं।